स्वागत है आपका अपना चैनल दुर्गा देसी खाना में। तो आज हम बनाएंगे करी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हम दिखाते हैं आपको। ये मैंने करी के लिए आधा किलो दही लिया है, बेसन है, और हम प्याज डाल के करी बनाएंगे। तो एक मैंने बड़ा प्याज लिया है, और बस मसाले के लिए मैंने हल्दी, मिर्ची और ये 5 फोरन है, कड़ी पत्ता, ये 4-5 लाल मिर्ची है, हींग और नमक स्वाद अनुसार और ये रिफाइंड ऑयल। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम मिक्सी में दही को वो फेंट देते हैं। बहुत जल्दी फेंट जाता है, फटाफट हो जाते हैं। ये सारा दही हम गिरा देते हैं। फिर हम इसमें बेसन डाल देते हैं। ये चम्मच से भर के 4 चम्मच बेसन डाल देते हैं। इसी में ये छोटे चम्मच से 2 चम्मच नमक डाल दिया है। आधी चम्मच हल्दी डाल दिया है और हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। फिर इसे फेंट लेते हैं। फेंट लिया है, गैस जला देते हैं। कढ़ाई जब तक गर्म हो रहा है, मैं ये प्याज काट लेती हूँ। शुरू में तड़के में प्याज डाल देते हैं। आधा ही प्याज डालूंगी, आधा रख देती हूँ, बाद में तड़के में डालूंगी। छोटे छोटे प्याज काटेंगे। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा ही डालेंगे अभी। फिर गरम होने तेल हमारा गरम हो रहा है, तब तक हम इसमें खूब सारा पानी डाल देते हैं। पानी बहुत सारे चाहिए। अब हमारा ये तेल गरम हो गया है, तो हम इसमें हींग खोल देते हैं। हम इसमें से आधा अभी डाल देते हैं। देखिए प्याज भुन गया है। अब हम ये सारे इसमें डाल देते हैं। देखिए
देखिए बेसन, मेरा 4 चम्मच बेसन है और आधा लीटर से थोड़ा ज्यादा 3 पाव करीब दही है और उसमें हम 2.5 लीटर पानी डाला है। ये अब अच्छे से पकेगा, पूरे नाप के हमने 2.5 लीटर पानी डाला है। हमें इसे अच्छे से पकाना है, इसको ऐसे ही हिलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसको छोड़ते हैं तो जल जाता है। देखिए कड़ी में उबाल आ गया है, अब हम इसे छोटे गैस पे अच्छे से पकने देते हैं, फिर हम दूसरे पे बड़ी बना लेते हैं कड़ी के लिए। तो हम इसे जला लेते हैं गैस को, इसमें हम इसे आराम से पकने देंगे। इधर हम पकौड़े बनाएंगे, जला लेते हैं फ्राई पैन, चढ़ा देते हैं, उसमें हम ये तेल डाल देते हैं, बड़ी बनाएंगे। तेल हमारा जब तक गर्म होगा तब तक हम बड़ी के लिए डाल देते हैं। तो हमने देंगे, सबसे पहले बेसन ले लेते हैं, चम्मच है ये, मैं बड़े चम्मच से भर भर के बेसन ले रही हूँ। आप जितना बड़ी बनाना चाहेंगे उस हिसाब से बेसन डालिएगा। मैंने भर के बड़ी चम्मच से 5 चम्मच बेसन लिया है, हम इसमें थोड़ा सा अदरक जमीन डाल देंगे। देखिए इसको हम जमीन डाल देते हैं, थोड़ी सी नमक डाल देते हैं, हल्दी, थोड़ी सी 1/4 चम्मच लाल मिर्ची डाल देते हैं और हम इसमें ये 1 पिंच करी इनू डालेंगे, बहुत अच्छा होता है, इनू भी खराबी नहीं करता है। ये देखिए मैं इसके से इतना ही इनू डालते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ज्यादा फेंटना नहीं पड़ता है, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। फिर हम ये 1/2 प्याज जो रखा था ने काफी बारीक काट लिया है, प्याज इसमें डाल देते हैं, इसके साथ मिला देते हैं। अब हम इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल के हमने प्याज वाला बड़ी बना रहे हैं, फेट गया है। अब मेरा तेल भी गर्म हो रहा है, थोड़ा मीडियम पर कर देते हैं, फिर हम इसे इसमें फटाफट डाल देते हैं। सारे को एक एक करके पलट लेते हैं,
निकाल लेते हैं। सारे को निकाल लेते, देखिए देखने में कितना सुंदर ये बड़ी बना है। देखिए कितना सुंदर बड़ी बना है। अब हम इसे भी उसी तरह डाल देते हैं, सारे को इसे डाल देते, बहुत अच्छा लगता है ये बड़ी। निकाल लेते हैं, गैस को पहले बंद कर देते हैं। कितना अच्छा ये बड़ी बना है, बहुत सॉफ्ट होता है ये। और ये कढ़ी मेरा अच्छे से पक गया, काफी अच्छे से पक गया है। इसे पकने देखिए पक गया, देखिए मेरा बड़ी बन के तैयार हो गया है। अब मेरा कढ़ी भी पक गया है, काफी अच्छे से ये कढ़ी पक गया है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। हम इसमें से तेल निकाल दिया है, थोड़ा रह दिया है, इसी में हम तड़का लगा देंगे। जला लेते हैं, गैस जला लेते हैं। हम इसी तेल में तड़का लगाएंगे, बाकी का तेल हमने निकाल लिया है। तेल गर्म ही है, हम इसमें ये 5 फोरन जलिया है, इसमें राइस, पीली सरसों, मतलब 5 फोरन है ये, सब कुछ है इसमें। हम इसमें डाल देते हैं, इसको तड़कने देते हैं। फिर इसमें हमने उसमें भी हींग डाले हैं, तो इसमें भी हम थोड़ा हींग डाल देते हैं। कड़ी में हींग बहुत अच्छा होता है, मुझे हींग बहुत पसंद है, इसे थोड़ा ज्यादा ही डाला है। इसे तड़कने देते हैं, लिया है। अब हम ये 4-5 लाल मिर्च जो है डाल देते हैं। इसे भी देते हैं, थोड़ा पकने देते हैं इसे। गैस को हमारे मेरा पक गया है, गैस को बंद कर देते हैं। फिर इसमें हम आप तीखा जितना खाते हैं उस हिसाब से लाल मिर्च डाल दीजिएगा, ये ज्यादा तीखा नहीं है। 1.5 चम्मच लाल मिर्ची डाल दिया है, इसे इसमें डाल देते हैं। मेरा बड़ी बहुत सॉफ्ट है, इसलिए हम ज्यादा पकाएंगे नहीं, इसको पकाएंगे नहीं, इस बड़ी को हम ऐसे ही इसमें डाल देते हैं। अपने आप गर्म है, अपने आप बिल्कुल गल जाएगा। कड़ी बन के
भी बन के तैयार हो गया है। करछी लेंगे, देखिए कितना अच्छा मेरा करी बन के तैयार हो गया है। खा देते हैं, हम इस थाली में निकाल दें, बहुत गर्म है। बहुत अच्छा बनता है करी। अगर आपको यह हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन के घंटी जरूर दबा दीजिएगा।